नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाई सॉरी मैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए मतलब 31 जनवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, प्रोबेबिलिटी दिखाऊँगा। और मैंने जो रात में जो बाई लेवल सेल लेवल और 100 EMA का स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी दवा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें बैंक निफ्टी का बाई लेवल सेल लेवल मिल जाएगा, पिवट पॉइंट मिल जाएगा, जो आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी लाइव में ट्रैक करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है, वो भी मिल जाएगा। और ये जो मैंने बाय लेवल सेल लेवल का फाइल देता हूँ, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा फाइल मैंने रेगुलर शेयर करता हूँ, वो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वो आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। और इसको कैसे, इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, वो सब भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का वीडियो मिल जाएगा। तो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखते हैं, देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ तो एज एक्सपेक्टेड के नीचे जाएगा, तो ये नीचे ही आया था। तो मैंने कल बोला था कि ऊपर में थोड़ा सा जाने का कोशिश करेगा, लेकिन नीचे जा नहीं पाएगा और ऊपर भी नहीं जा नहीं पाएगा। लेकिन ये नीचे ब्रेकआउट दे दिया है, ऊपर 200 के ऊपर नहीं जा दे पाया और नीचे ब्रेकआउट दिया है। अभी देखिए इधर जो इधर इस लेवल पे मतलब 12,009 या 12,000 पे एक सपोर्ट है। इस जब करेगा ये जो ब्रेक करेगा तो 12,930 उसके बाद 12,930 उसके बाद 12,750 आ सकता है। और चार्ट का सेटअप भी देख के ऐसे ही लगता है। अब लोग इधर से भी पिछले देख सकते हैं, जब भी ये जो चैनल है मैंने जो चार्ट का सेटअप बना, ये चैनल जब ब्रेक करता है तो इधर से नीचे आता है और ऊपर जब ब्रेक करता है ऊपर जाता है। तो देखिए और इधर ओटेक्स भी 1.1 के आसपास चला गया है ऑलमोस्ट, और RSI भी नीचे सिग्नल देता है। तो लगता है ये नीचे जाएगा, थोड़ा सा कम से हो सकता है कभी कभी, लेकिन ये नीचे जाएगा। अभी ऑलमोस्ट 11,900 के आसपास आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। और निफ्टी लोग को ये सजेस्टेड है कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के ओनली सेल ऑन राइज बेसिस कीजिए, ज़्यादा बाई करने का कोशिश मत कीजिए। इधर 20,500 का सपोर्ट के लिए अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। और इधर ऑलरेडी चैनल का नीचे ऑलरेडी बहुत ही आ चुका है, और देखना पड़ेगा इसका भी थोड़ा सा नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी एक साथ ही चल रहा है, तो इधर निफ्टी का भी जब नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी का नीचे आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा दिखता है। 30,500 ब्रेक करके लगता है 3,350 तक आ सकता है। उसके ब्रेक कर होने के बाद 30,000 के आसपास आने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। और ऑप्शन चेन मैंने निफ्टी का 6 फरवरी का देख लेता है। निफ्टी 6 फरवरी का जो 0.69 इसका मतलब ये है PCR रेशियो है, और इधर 12,100 में इसका रेजिस्टेंस बना है। कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ही भारी है, और इधर लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। 12,100 में इसका रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर आया है, और इधर कॉल पुट साइड में 11,900 में इसका सपोर्ट शिफ्ट होकर गया है। तो इधर ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जितना है और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो कॉल राइटिंग होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, तो मार्केट को और भी नीचे जाए नीचे लेकर आएगा। और इधर लॉन्ग बिल्डअप पुट साइड में भी लॉन्ग बिल्डअप हो चुका है, इसे रेशियो 50 तक आ सकता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिकवरी हो सकता है। तब तक के लिए 11,900 तक आ जाएगा ऐसा लगता है।
लेकिन बीच में कॉन्स्टिपेशन तो ज़रूर होगा, एक दो दिन बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन तो ज़रूर होगा, तो उससे वो थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। लेकिन इसलिए आप लोग को मिले के काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखते हैं, इसके बाद एन निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का 6 फरवरी देखता हूँ, इसका जो पीसीआर रेशियो है इसका पीसीआर रेशियो 0.78 के आसपास है। तो मतलब अभी भी साइडवेज मूवमेंट मूवमेंट का जो रेंज है उसका अंदर है, मतलब 0.75 तक, 1 से 0.7 साइड मोमेंटम देखता है। 0.75 से 50 नीचे आता है, जब 0.50 के नीचे जाना चला जाता है, इससे ये घूम के ऊपर जाना जाता है। ऐसा इन जनरल रूल है, थम रूल है। सब समय मार्केट ऐसा फॉलो नहीं करता है, लेकिन इन जनरल ऐसे ही फॉलो करता है। तो इधर 31,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, तो इधर रेजिस्टेंस बना है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर कॉल साइड में दिख रहा है, तो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर 30,500 में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ये भी नीचे ही जाने का इंडिकेट कर रहा है। और इधर इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी बहुत ही बढ़ चुका है, निफ्टी में भी ऐसा दिख रहा है। तो इधर नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि प्राइस गिर रहा है और ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आई भी बढ़ रहा है। तो मतलब इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। इधर पुट साइड में भी इंप्लाइड वोलेटिलिटी वो भी ज़्यादा है, तो देखता है प्रोबेबिलिटी क्या दिखा रहा है। इधर इंप्लाइड वोलेटिलिटी और इधर देखिए करंट मार्केट प्राइस, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, कॉल इंप्लाइड वोलेटिलिटी, पुट इंप्लाइड वोलेटिलिटी देखिए, और 7 दिन का एक्सपायरी का हिसाब से निफ्टी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है 12,100, लेकिन ये 7 दिन का हिसाब से। और इधर बैंक निफ्टी में 30,500 मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। तो मैंने बता दीजिएगा, मैंने कमोडिटी ओपन होने के बाद, कमोडिटी मार्केट खत्म होने के बाद एक साथ सब का बनाता हूँ, तो उसी टाइम आप लोग का निफ्टी का लेवल भी देख लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो इधर एक कैंडल स्टिक निफ्टी में दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने इधर से मेरा फाइल से दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क क्लाउड कवर जो है वो उस टाइप का कैंडल स्टिक बना है। तो उस इधर और भी ये दिखाता है, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाने को, आप लोग जानते हैं एक्सेल शीट में बनाया गया है। तो इधर देखिए आप लोग बैंक निफ्टी के नोटिस का, निफ्टी बैंक निफ्टी का नोटिस का जाइए, और इधर ऊपर देखिए इधर कौन सा वाला कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है। तो देखिए इधर बैंक निफ्टी में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, और इधर जो इधर निफ्टी में ग्राफ क्लाउड कवर एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ है, जो कि सभी दर्शाता है कि ये नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में देखता है इधर पूरी संगल में बना है, जो भी सॉरी बुरी संगल में संगल देखिए इधर बुरी संगल, ऐसा परफेक्ट नहीं है को, मतलब